नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक परिवर्तनकारी कक्षा कार्यक्रम में आप लोगों को एक नए तरीके के पाठ्यक्रम और नए तरीके के टॉपिक पर अध्ययन करने का मौका मिलेगा। आज हम राजनीति विज्ञान विषय को प्रारंभ कर रहे हैं और यह प्रारंभ TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा UGC नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। परंतु हम राजनीति विज्ञान प्रारंभ करने के पूर्व हम वर्तमान समय में गतिमान भर्ती की प्रक्रिया जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चल रही है, तो इसके TGT के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे और पाठ्यक्रम विश्लेषण के महत्व को आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि किसी भी विषय का अध्ययन करना और उसको अध्ययन करने के बाद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना और उसके बारे में एक समझ पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ऐसा आप करेंगे तो इससे कहीं पर भी राजनीति विज्ञान के टॉपिक का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि वास्तव में ये हमारे लक्ष्योन्मुखी मार्ग में जो है पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो इससे आप उस विषय में रुचि लेंगे और इससे आपकी बेहतर तैयारी होगी, बेहतर और एक प्रबल दावेदारी के साथ आप परीक्षा में जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम तथ्यात्मक दिखता तो है, परंतु हम इस तरीके से उसका विश्लेषण क्रमागत ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से करेंगे कि उसके बारे में एक समझ पैदा करना आसान होगा। यद्यपि ये कहा जाए कि हम पाठ्यक्रम को रट ले तो इस स्तर पर एक जिम्मेदारी वाली परीक्षा की तैयारी करने पर रटना जैसा शब्द उचित नहीं लगता है, तो इसलिए हम उसका विश्लेषण करके एक अवधारणात्मक समझ पैदा करने का प्रयास करते हैं। और जब हम TGT के पूरे सिलेबस के बारे में एक समझ पैदा कर लेंगे तो उससे जो है हमें रुचि मिलेगी उसको तैयार करने में और इसके माध्यम से उसको हम अच्छी तरीके से तैयारी कर भी पाएंगे। तो आइए हम लोग उसका एक विश्लेषण राजनीति विज्ञान का TGT के लिहाज से करते हैं। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम विश्लेषण TGT, तो आज के हम इस क्लास में TGT के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे। यद्यपि ये पूरा क्लास जो प्रारंभ हो रहा है वो TGT PGT और UGC नेट तथा इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, लेकिन पाठ्यक्रम की जहां तक बात है हम आज इस कक्षा कार्यक्रम में TGT के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से इसकी भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। तो पूरे अगर TGT के लिए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को देखा जाए तो बेसिकली वो तीन तरीके से बटा हुआ प्रतीत होता है। एक राजनीति शास्त्र सिद्धांत के स्तर पे, राजनीति शास्त्र सिद्धांत के स्तर पे, और दूसरा विचारक के स्तर पे, इसी में विचारधारा भी आती है, और तीसरा भारतीय संदर्भ में। ये तीन प्रकार से पूरा TGT का राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम तीन भागों में बटा हुआ प्रतीत होता है। अब हम एक एक करके इससे संबंधित टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे और आज हम इसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे जिससे इस पाठ्यक्रम के बारे में बेहतर समझ पैदा हो सकेगी और विश्लेषणोपरांत इसके अध्ययन के लिए हमें क्या तकनीक अपनाना है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए आगे आप लोग साथ में बने रहिए। तो राजनीति शास्त्र में सबसे पहले यहां पे अर्थ पढ़ा जाता है, राजनीति शास्त्र का अर्थ, अर्थ के साथ में परिभाषा, परिभाषा के बाद प्रकृति, प्रकृति किस चीज की प्रकृति, राजनीति शास्त्र की प्रकृति, इसके बाद पद्धति। अब देखिए परिभाषा, प्रकृति, पद्धति, ये तीनों एक साथ में
प्रयोग में लाए जा रहे हैं, यद्यपि बुक्स में आपको आगे पीछे मिलेगा, लेकिन ये एक समझ पैदा करने के लिए और इसको स्मरण में रखने के लिए इस तरीके के तकनीक को बताया गया। कोई भी विषय प्रारंभ होता है तो पहले हम उसके अर्थ को देखते हैं और पुनः अर्थ के बाद परिभाषा आता ही है, तो परिभाषा पे जब हम पहुंच जाएंगे तो पा यहां से प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद हम उस क्रम को पकड़ लेंगे, यानी कि उसकी प्रकृति और पद्धति, लास्ट में एक जो है विषय क्षेत्र हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसके एक बिंदु को या एक टॉपिक को स्पष्ट कर देते हैं। इसी तरीके से राजनीति शास्त्र या राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर ये कहा जाए कि राजनीति शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, तो अपने आप स्वयं में जो है ये उत्तर निकल करके सामने आता है, राज्य। क्योंकि राज्य है तभी हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, क्योंकि राजनीति शास्त्र का अध्ययन कहीं ना कहीं राज्य के केंद्र बिंदु के चारों तरफ घूमता है। तो हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक के रूप में राज्य ले लेंगे और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य जब आएगा, राज्य के अर्थ परिभाषा सारी चीजों का अध्ययन करेंगे और पुनः राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत भी देखेंगे। तो राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत, ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राज्य है तभी राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत पर हम आएंगे, तो पहले राज्य से इधर की तरफ हम बढ़ेंगे। राज्य आएगा, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब आपसे पूछा जाए कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, स्वयं में इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि संप्रभुता। क्योंकि किसी भी भूभाग को जिसमें जनता रह रही है और सरकार भी है, लेकिन अगर संप्रभुता नहीं है तो उसे हम राज्य कह ही नहीं सकते हैं। संप्रभुता किसी राज्य की वह विशेषता होती है जिससे वह आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में दोनों ही क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि राज्य के बाद हम संप्रभुता का अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आपने देखा राज्य, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और संप्रभुता, संप्रभुता के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, संप्रभुता के प्रकार इत्यादि चीजों का हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन आज पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके बाद ये राज्य हो गया, राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता हो गई संप्रभुता, जिसके माध्यम से वह निर्णय लेगा और निर्णय का अनुपालन किसको करना होगा, वहां के नागरिकों को। तो नागरिक भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, आगे बढ़ सकें, समाज में सभ्यता और संस्कृति का निर्माण कर सकें, इसलिए उन्हें भी स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगा और उनमें जो है समानता स्थापित करने का राज्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा। और तीसरा जो है अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि अधिकार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को कोई कार्य करने का सुविधा प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक राज्य जो एक मेन इकाई है, अब राज्य की विशेषता तो हमने यहां पे देख लिया संप्रभुता के रूप में, संप्रभुता यहां पे वो राज्य को, संप्रभुता यहां पर वो राज्य को शक्तिशाली बनाता है, लेकिन ये जो है वो व्यक्ति को जो है प्रदान किया जाता है, ये व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। यहां पर व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर रहा है, परंतु ये आपको स्वतः पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता, समानता, अधिकार वो व्यक्ति के लिए है, अर्थात यहाँ राज्य और व्यक्ति दोनों में संतुलन स्थापित करने का एक प्रयास। तो ये चीजें हैं कि पहले बिंदु में हम राज्य के बारे में देख लिए और दूसरे लाइन में हम स्वतंत्रता, समानता और अधिकार को देख लिए। जब इस तरीके की गतिविधियां होंगी, व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक लिमिट को भी क्रॉस करने का प्रयास किया जाएगा, कुछ अवांछनीय गतिविधियां भी की जाएंगी जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो इसके साथ में हम कानून, कानून एवं दंड, कानून एवं दंड के सिद्धांत, कानून एवं दंड के सिद्धांत का भी अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत उसके पहले एक पॉइंट ये मेन पॉइंट बन रहा है, दूसरा मेन पॉइंट ये बन रहा है, तीसरा मेन पॉइंट ये बन रहा है, चौथा मेन पॉइंट ये बन रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा पहले राजनीति शास्त्र के बारे में, दूसरा राज्य है, तीसरा व्यक्ति के लिए रूप में है, और यह जो व्यवस्था है इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि कानून और दंड की व्यवस्था का क्रियान्वयन राज्य के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा जिससे समाज में शांति व्यवस्था, न्याय की स्थापना हो सके।
तो इस तरीके से ये पूरी गतिविधियां होंगी, लेकिन इन सभी चीजों को राज्य चूंकि एक अमूर्त संस्था होती है, इसको क्रियान्वित करने के लिए शासन प्रणाली की स्थापना होती है। तो यहां पर हम शासन प्रणाली के बारे में भी देखेंगे, और शासन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक लोकतंत्रीय व्यवस्था हो सकती है और दूसरा जो है वो अधिनायक तंत्र हो सकता है। अधिनायक तंत्र हो सकता है। इस तरीके से आपने देखा कि राजनीति विज्ञान का टीचीटी के लिहाज से जो राजनीति शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वो इन्हीं बिंदुओं के बीच में कहीं ना कहीं जो है आता है। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान का एक वैज्ञानिक क्यों क्रमागत जो है विश्लेषण है, इस तरीके से आप अगर देखते हैं तो आपके अंदर एक समझ पैदा होगा और पूरे पाठ्यक्रम का आपके अंदर समझ पैदा होगा, स्मरण में होगा। और कहीं पर भी अगर राजनीति विज्ञान आप पढ़ते हैं और इनमें से कोई चीज आता है तो आप तुरंत इस बात को समझ पाएंगे कि ये हमारे पाठ्यक्रम का विषय ही से हमें तैयार करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारा ये मदद करेगा। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान हो गया, दूसरा राज्य हो गया, तीसरा व्यक्ति के लिए स्वतंत्र हो गया, और जो है कानून एवं दंड का सिद्धांत हो गया जो संतुलन स्थापित करेगा, और इन व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने के लिए शासन होगा। शासन के दो रूप लोकतंत्र है, अधिनायक तंत्र है। यद्यपि इसका भी विश्लेषण में किया जाएगा और डिटेल्ड में जो है अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर हम पाठ्यक्रम के तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु राजनीति शास्त्र या राजनीतिक सिद्धांत का जो हमने विश्लेषण किया। दूसरा टॉपिक हमारा विचारक और विचारधारा आती है। दूसरा टॉपिक विचारक और विचारधारा आती है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विचारक में हम कौन कौन से विचारकों का अध्ययन करेंगे और कौन कौन से विचारधाराएं होंगी जो राजनीति विज्ञान में टीजीटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत हम दो चीजें देखते हैं, एक विचारधारा। तो विचारधारा में यहाँ पे व्यक्तिवाद है और उदारवाद है, और तीसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। ये तीन विचारधाराओं का अध्ययन टीजीटी के अंतर्गत करना है। ये दोनों ही जो है स्वतंत्रता पर बल देते हैं और ये जो है वो समानता पर बल देता है। ये समाजवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और ये जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ये समाजवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये समानता पर बल देता है, ये स्वतंत्रता पर बल देता है। ये व्यक्ति के विवेक में विश्वास करता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, उससे वह स्वयं अपना जो है सबसे अच्छे तरीके से विकास कर सकता है। लेकिन समाजवाद इस बात पर बल देता है कि समाज में विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के स्तर में अंतर है, और जब तक राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक हम समानता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक क्रमागत विचारधारा है, व्यक्तिवाद, उदारवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। ये तीनों जो है विचारधाराओं का अध्ययन इसमें किया जा रहा है। तो इस तरीके से पहले व्यक्तिवाद आता है और फिर उदारवाद आता है। उदारवाद ही जो है इसी नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद में जुड़ा हुआ है। नकारात्मक उदारवाद केवल स्वतंत्रता पर बल ही देता है और सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से व्यक्तिवाद की बात उदारवाद का उदय हुआ और वैज्ञानिक समाजवाद समानता के लक्ष्य। तो ये भी क्रम से और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसको समझने में आसानी होगी। विचारधारा के बाद हम दूसरा जो मेन पॉइंट है वो विचारक है। तो विचारकों में दो प्रकार के हैं, एक तो पाश्चात्य विचारक, एक जो है भारतीय विचारक। तो पाश्चात्य विचारकों में सबसे लोकप्रिय जो हमेशा से रहा है वो है प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु ये प्राचीन काल से हैं, यूनान से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विचारक हैं। इसी तरीके से आप हाफ्स लाक रूसो, तीनों ही लोगों का नाम एक साथ में आता है। संप्रभुता के संदर्भ में आता है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के संदर्भ में आप देखेंगे आगे चल करके, ये तीनों लोग एक साथ में जुड़े हुए हैं जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के रूप में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों विचारकों के साथ जो है मिल
ये उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ विचारक बेंथम इसके पूर्व में ले लेते हैं, क्योंकि बेंथम के बाद मिल आते हैं और पुनः जो है ग्रीन आते हैं। बेंथम मिल और ग्रीन उपयोगितावाद है, परिमाणात्मक गुणात्मक और ग्रीन आदर्शवादी विचारक। एक इसलिए भी साथ में बताते हुए चल रहे हैं कि एक जो है खाका आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये भी दोनों उदारवादी विचारक हैं और इनके द्वारा जो है गुणात्मक मात्रात्मक अवयवों पर बल दिया गया है और मिल के द्वारा गुणात्मक तत्वों पर बल दिया गया है और ग्रीन जो है आदर्शवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे मार्क्स, मार्क्स से मार्क्स और मार्क्स से मार्सिलियो पदुआ, मार्सिलियो पदुआ, इतने विचारक पाश्चात्य दर्शन से यहां पर आते हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। प्लेटो, अरस्तु, हाफ लाकुसो, बेंथम, मिल और ग्री, मार्क्स और मार्सिलियो पदुआ। तो इस तरीके से बहुत ही संक्षिप्त सिलेबस है और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने पर इन विचारकों का अध्ययन करना आवश्यक भी होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान के बारे में एक समझ पैदा होती है। इसके साथ में हमें भारतीय दर्शन में अगर देखा जाए तो मन कौटिल्य, मन कौटिल्य और गांधी, मन कौटिल्य प्राचीन काल से हैं और गांधी जो है आधुनिक युग के विचारक हैं। तो इस तरीके से इन तीनों विचारधाराओं के जो है तीनों विचारकों के विचारधारा का अध्ययन करना है, इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का अध्ययन करना है और इसी में एक वर्ग पुनः जो है आगे बढ़ेंगे तो नेहरू, अंबेडकर, तिलक गोखले, जिन्ना और सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र, इतने जो है विचारकों का अध्ययन हमें टीजीटी के सिलेबस के हिसाब से करना है। और ये जिस तरीके से क्रम से बताया गया वो कालिक आधार पे पूर्व से लेकर के उत्तर की तरफ विचारकों के कालक्रम को दर्शाता है, जो आपको समझने में और याद करने में आसानी होगी। इससे आपको पूरे टॉपिक के बारे में एक समझ पैदा होगी। तो मनु कौटिल्य दोनों लोग प्राचीन काल से हैं, पुनः गांधी आते हैं, नेहरू अंबेडकर उसके बाद आते हैं, तिलक गोखले भी चलते हैं, हालांकि तिलक जो है और गोखले की विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन था, गरम दल और नरम दल का समर्थन करते हैं, लेकिन आसी पास काल है तो इसलिए एक साथ में रख दिया गया है, और जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस दो लोग और इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये विचारक और विचारधारा, इन दोनों को हमें टीजीटी के राजनीति विज्ञान के सिलेबस में पढ़ना है। तो आपने देखा कि राजनीति विज्ञान के लिए टीजीटी के इन तीनों बिंदुओं में से हमने दो का अध्ययन यहाँ पर किया, दो का विश्लेषण किया, जिससे आपको सिलेबस को समझने में आसानी होगी। और तीसरा है भारतीय संदर्भ में। तो भारतीय संदर्भ में हम देखेंगे जैसे राजनीति विज्ञान का अभी तक जो दो चीजें हमने देखी, ये सिद्धांत के रूप में इन लोगों का अध्ययन करना है, सिद्धांत के रूप में अध्ययन करना है, लेकिन अभी जो हम देखेंगे वो व्यवहार के रूप में अध्ययन करना है कि भारतीय संदर्भ में राजनीति विज्ञान किस तरीके से प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि जो भारतीय किसी भी विषय का दो पार्ट होता है, एक सैद्धांतिक होता है, एक प्रयोगात्मक होता है, एक अनुप्रयोगों पर आधारित होता है। तो राजनीति विज्ञान का जो दूसरा अंतिम जो भाग है, अंतिम जो पॉइंट है, वो भारतीय संदर्भ में देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का किस तरीके से अनुप्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक है विचारधारा या अवधारणा देखना है, कुछ अवधारणाएं हैं जिसको इसके अंतर्गत स्पष्ट करना है। तो अवधारणाओं के अंतर्गत हम संविधान, संविधान जैसा कि पूर्व में भी क्लास में बताया जा चुका है, संविधान उत्पत्ति के
के आधार पर निर्मित और विकसित संविधान होता है, लेखन के आधार पर लिखित और अलिखित संविधान होता है, इसी तरीके से परिवर्तनशीलता के आधार पर लचीला संविधान और कठोर संविधान। तो इसके अंतर्गत संविधान क्या है, संविधान के जो प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, ये अवधारणाएं होती हैं। अभी हम अवधारणा का अध्ययन करेंगे। जब संविधान कहीं पर होगा तभी वहां पर सरकार बनेगी, क्योंकि उस संविधान के माध्यम से सरकार को शक्ति प्राप्त होगी। इस पर भी जो है क्लास पूर्व में लिया जा चुका, हालांकि बाद में इस पर डिटेल चर्चा किया जाएगा। सरकार के प्रकार, सरकार किसे कहते हैं, सरकार के प्रकार पर एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार, अध्यक्षीय या राष्ट्रपतीय प्रकार, तो इस तरीके से सरकार का। और जब सरकार होंगे तो सरकार के अंग भी जो है हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं। इस संविधान होगा तभी संविधान पर आधारित सरकार होगी, और सरकार के अंग होंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस तरीके से ये सारी जो व्यवस्था है, जो सारा पाठ्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं एक क्रम पर आधारित है, एक वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है, एक व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित है। तो इस तरीके से हम इन अवधारणाओं को पढ़ेंगे। पुनः अब ये अवधारणाओं के साथ हम संविधान, भारतीय संविधान का यहां अध्ययन करेंगे। भारत के जो है संविधान को देखेंगे कि भारत के संविधान की क्या विशेषता, संविधान कैसे बनाया गया, संविधान के माध्यम से क्या चीजें स्थापित की गई हैं। अब संविधान पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम विशेषताएं पढ़ेंगे, और विशेषताएं के बाद जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। जाहिर सी बात, जब हम संविधान की बात आती है, उसकी विशेषताओं की बात आती है, ये दोनों टॉपिक स्वयं अपने आप में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो हम संविधान इस टॉपिक के अंतर्गत जो है हम इन तीनों बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, विशेषताएं संविधान की क्या है, इसके बाद फंडामेंटल राइट्स पर बात होगी, और नीति निर्देशक तत्वों पर, संविधान कैसे बना, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पूर्व में क्लास लिया जा चुका है, क्योंकि भारतीय संदर्भ में संविधान एवं राज्य व्यवस्था का क्लास पहले से ही चल रहा है। अब हम टीजीटी के विश्लेषण में, टीजीटी के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने के बाद राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति शास्त्र और विचारक, इन दो बिंदुओं का आगे क्लास प्रारंभ करेंगे, जिससे टीजीटी के पूरे सिलेबस को कवर किया जाना आसान हो सके, आपकी तैयारी आसान हो सके, एग्जाम में आपकी दावेदारी मजबूत हो सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो इस तरीके से संविधान भारतीय संदर्भ में इन तीनों बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पुनः हम सरकार के अंग को ध्यान रख लेंगे, जैसे संघात्मक सरकार पढ़ना है, संघ सरकार हम पढ़ेंगे, संघ सरकार। सेम इसी तरीके से जैसे संविधान हमने उदाहरण पढ़ी तो संविधान की ये देख लिया, सरकार हम पढ़ेंगे तो सरकार यहाँ पे तीन सरकार भारतीय संदर्भ में, क्योंकि हम इसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूर्व में मैंने बताया कि इसके अंतर्गत सिद्धांत पढ़े जाते हैं और पूरा राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग कैसे होता है वो हम अपने देश के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संघ सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, और इसी तरीके से स्थानीय सरकार होती है, इन तीनों का अध्ययन करना है। सेम इसी तरीके से व्यवस्थाएं पढ़ रही है। अब इसके अंतर्गत जिसे सरकार में अंगों को पढ़ लेना है, अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो व्यवस्थापिका संसद की तरह से होती है, तो हम यहाँ संसद का अध्ययन कर लेंगे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका में जो है मंत्रिपरिषद आ जाएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद आ जाता है, तो मंत्रिपरिषद, इसी में राष्ट्रपति को भी माना जाता है, जब राष्ट्रपति जो है वो संसद का भी पार्ट होता है, दोनों में ये होता है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की हम उच्चतम न्यायालय का अध्ययन कर लेंगे। तो इस तरीके से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसी का नाम भारत में क्या है, भारत में ये तीनों अंग सरकार के किस रूप में हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, कहां से शक्तियां प्राप्त करते हैं, उन शक्तियों की क्या सीमाएं हैं, इत्यादि का जो है हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। संघ सरकार में सेम उसी तरीके से राज्य सरकार में आ जाइए, संसद के स्थान पर विधानमंडल हो जाएगा, और यहां पर मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद हो जाएगा, और यहां पे राष्ट्रपति है तो यहां पर जो है वो राज्यपाल हो जाएगा। बहुत ही साइंटिफिक विश्लेषण है। और उच्चतम न्यायालय के स्थान पर यहां उच्च न्यायालय हो जाएगा। पूरी तरीके से एकदम व्यवस्थित पाठ्यक्रम है, एक क्रमागत उसमें विकास आपको देखने को मिल रहा होगा। स्थानीय
स्थानीय सरकार का क्या तात्पर्य है, स्थानीय सरकारें जो है बाद में संवैधानिक दर्जा के रूप में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में आई, इसका तात्पर्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो निश्चित तौर पर यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये टॉपिक है आपका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या आप समझते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो है पंचायत आ जाएगा, दो ही प्रकार की सरकारें हैं, एक ग्रामीण क्षेत्रों में, एक जो है नगरीय क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार स्थापित होती है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का रूप है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत है और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका आती है। तो इस तरीके से ये तीनों ही सरकार आ गए, बहुत ही साइंटिफिक ढंग से चल रहा है। अवधारणा हमने किसका देखा? संविधान का, सरकार का और उसके अंगों का। संविधान का हमने अध्ययन किया, सरकार आ गया तो हमारे यहाँ तीन सरकारें होती हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इसका हमने देख लिया। और इन सरकारों का इसके अंगों के आधार पर क्या क्या अंग होते हैं, हमने इसका अध्ययन कर लिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत के संदर्भ में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से बहुत ही क्रमागत, ऐतिहासिक और अवधारणात्मक है। अब हम देखेंगे कि क्रियान्वयन कैसे होता है, कार्यकारी गतिविधियां कैसे सरकार की हैं। तो यहां पर उसके लिए सरकार बनती है, चुनाव होता है और सरकार की सहायता किया जाता है, तभी तो सरकार किसी देश में चल सकती है। तो इसके लिए हम देखेंगे, यहां पर हम चुनाव व्यवस्था देखेंगे और इसके लिए यहाँ पर चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। चुनाव आयोग की व्यवस्था हो गई, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारत में करवाता है। राजनीतिक दल है, क्योंकि यही अपने उम्मीदवारों को चुनाव के समय उम्मीदवार बनाते हैं, जिन्हें जनता के द्वारा मत दिया जाता है, और लोकप्रिय जो उम्मीदवार होता है वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुन करके सदन में पहुंचता है। तो राजनीतिक दल यहाँ पर होगा, राजनीतिक दल जब मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारेगा तो वहां पर मतदान होगा, तो हम मतदान का भी अध्ययन कर लेंगे। ये आपके सिलेबस में पूरी तरीके से दिया हुआ, जिसका विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है। मतदान करने के दौरान कुछ गुट होंगे जो काम हम करेंगे, या सरकार बनने के बाद विधियों को बनाने में कुछ दलों का, कुछ गुटों का, कुछ वर्गों का, कुछ समूहों का जो है एक्टिव मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर हम दबाव समूह का भी अध्ययन कर लेंगे, दबाव समूह। तो इस तरीके से आपने देखा कि चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग होगा, और चुनाव में भाग कौन लेगा? राजनीतिक दल लेगा। और उसके बाद ये जब व्यवस्थाएं संपन्न हो जाएंगी तो एक दल के द्वारा सरकार बनाने के लिए सरकार को सचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर नौकरशाही आएगी, नौकरशाही, क्योंकि नौकरशाही के द्वारा ही सरकार की सहायता की जाती है। नौकरशाही के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा नागरिक सेवा में भर्ती किया जाता है, जो विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ सचिवालय में सचिवीय कार्य करते हैं, और इसके माध्यम से मंत्री और सरकार की सहायता करते हैं, जो नौकरशाही के रूप में होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सरकार की जो कार्यकारी गतिविधियां होती हैं वो इस रूप में संपन्न होती हैं। इसके साथ समाज में जो है कुछ तत्व होते हैं, जो समाज की संरचना होती है वहां पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि सरकार और समाज अलग चीजें होती हैं। सरकार समाज का एक अंग होता है, क्योंकि सरकार भी समाज में ही कार्य करती है, इसलिए समाज की जो संरचनात्मक ढांचे होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावित करती हैं। तो हम सामाजिक संरचनाओं में अंतर्गत जो है जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। और किसी भी समाज में जब इस प्रकार की चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कि जाति, संप्रदाय और क्षेत्र अपने अपने जाति, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने क्षेत्र की तरफ निष्ठा व्यक्त करेंगे, उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसके बाद हम जो है यहाँ एकीकरण की समस्या भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे एकीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। भाई अगर ये तीनों तत्व ना होते तो जाहिर सी बात सबकी निष्ठा जो है वो भारतवर्ष के प्रति होती, सब एक राजनीतिक संस्कृति का स्वस्थ विकास होता, तो वहां पर एकीकरण की समस्या रहती। लेकिन जात, समुदाय और क्षेत्रवाद, इन तीनों ही आधारों पर यहां पर एकीकरण की समस्या उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एक्टिविटी है, क्रियान्वयन है सरकार का, और यह सामाजिक संरचना से संबंधित समस्या है। अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो सुधारात्मक समूह के अध्ययन करेंगे। ओम्समय भारत के अंतर्गत है, ओम्समय
ये ओम्समैन शब्द जो है यूरोपीय राजनीति विज्ञान से लिया गया शब्द है। ओम्समैन एक ऐसी संगठनात्मक ढांचा होता है जो किसी भी देश में भ्रष्टाचार निवारक संस्था के रूप में काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों पदाधिकारियों पर लगने वाले आरोपों की जांच करने का एक मैकेनिज्म डेवलप करता है, उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इस तरीके से किसी देश में भ्रष्टाचार की गतिविधियां और उससे संबंधित मामलों का निपटारा इसके माध्यम से किया जाता है। इसे जो है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त कहा गया है, लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो ये हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम यूएनओ का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा तीनों ही अंगों का बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही यथार्थ और वैज्ञानिक ढंग से जो है विश्लेषण किया गया राजनीति शास्त्र का टीजीटी के हिसाब से पाठ्यक्रम, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत मूल हो गया, फिर उसके बाद उसमें विचारक और विचारधारा हो गई, भारतीय संदर्भ में इस राजनीति विज्ञान का अनुप्रयोग हो गया पूरी तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक ढंग से इसका जो विश्लेषण किया गया है। और इस तरीके से करने के बाद आप अपने पाठ्यक्रम के बारे में समझ पैदा करेंगे और जब आपको समझ पैदा हो जाएगा तो ये आप विश्वास मान करके चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और तैयारी न शुरू करने से पहले ही तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने पाठ्यक्रम के बारे में एक समझ जरूर पैदा कीजिए और ऐसा करके ही जो है आप अपने दावेदारी को बहुत ही प्रबल कर लेंगे। अब ये पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने के साथ हम कुछ तरीकों पर अध्ययन करेंगे जो तरीके आपको तैयारी के दौरान इंप्लीमेंट करने हैं। इसके अंतर्गत हम तैयारी के संदर्भ में पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें आपको अपनाना है अपनी तैयारी के दौरान, जिससे आप तैयारी के बारे में एक बेहतर समझ पैदा कीजिए। सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को तैयारी करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत जरूरी है और आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस विषय की तैयारी कर रहे हैं। एक सर्वे में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि तैयारी करने वाले या किसी भी फील्ड में किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने वाले लोगों में से 70% लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बहुत ही हास्यास्पद आंकड़े हैं, 70% लोगों के अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं होते, वह एक गलत डायरेक्शंस में मूवमेंट कर रहे होते हैं, गलत डायरेक्शन में जो है अपना प्रयास कर रहे होते हैं, इफर्ट कर रहे होते हैं। लक्ष्य अगर किसी ने सोच के ये चला है और प्रयास वो इस दिशा में कर रहा है तो ये चीज कैसे प्राप्त हो सकती है, ये चीज प्राप्त ही नहीं हो पाएगी, और चूंकि इसके लिए वो कर नहीं रहा है तो ये प्राप्त हो भी नहीं सकती है। इस तरीके से वह व्यक्ति अपने जीवन काल में जो असफल होता है या किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छे और ऊंचाई वाले स्थानों पर नहीं पहुंच पाता है। तो आप अपने लक्ष्य का निर्धारण जरूर कीजिए और लक्ष्य निर्धारण आप कैसे कर पाएंगे, अपनी योग्यता और अपने जो है क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों ही चीजों पर आप मूल्यांकन कीजिए, योग्यता और क्षमता आपकी क्या है इसके अनुसार अपने लक्ष्यों का आप जरूर निर्धारण कीजिए। अब लक्ष्य अधिक भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा लक्ष्य अगर बना लिया जाए तो व्यक्ति के शक्ति संसाधन ऊर्जा कई दिशा में बढ़ जाते हैं, जिससे किसी भी एक लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मजबूती से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाता। इसलिए एक प्रकार की अगर टीचिंग डायरेक्शंस में कोई आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो पीजीटी पीजीटी या नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम को एक साथ कवर कर सकता है, लेकिन अगर वो एक साथ में बैंक रेलवे पीजीटी पीजीटी सिविल सभी एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करें तो निश्चित मान लीजिए उसकी क्षमता बढ़ जाएगी और उसके सफल होने की संभावनाएं बहुत छीण हो जाएगी। इसलिए आप इस तरीके से लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, वह लक्ष्य आपकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, अपनी पूरी क्षमता उस दिशा में झोंक दीजिए और आप ये निश्चित मान के चलिए अगर आप ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने योग्यता और क्षमता पर निर्धारित किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली कोई पावर आपको जो लक्ष्य को पाने से नहीं रोक पाएगी, ये आप मान करके चलिए। तो इस तरीके से लक्ष्य निर्धारण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिल गेट्स ने अपने एक व्याख्यान में इस बात को कहा था कि हम आज इतनी ऊंचाई पर इसलिए पहुंचे हैं, बिल गेट्स ने कहा था कि हम आज इतनी ऊंचाई पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमने बहुत कम लक्ष्य का निर्धारण किया, बहुत कम लक्ष्यों पर काम किए, क्योंकि कम लक्ष्य पर काम करके व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा, समय, शक्ति और संसाधन जब लगा देगा तो वहां पे क्रांति आ जाएगी, बदलाव वहीं क्रांति आ जाएगी। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि गोल डिटरमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल डिटरमिनेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज है आपके शैक्षिक सहायक की, शैक्षिक सहायक की इसके अंतर्गत आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए किसी भी विषय का, टीजीटी का अगर, और अध्ययन सामग्री, पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री। कई लोगों के पास एग्जाम दो बार तीन बार देने के बावजूद भी पाठ्यक्रम नहीं होता। उस पाठ्यक्रम पर आधारित, क्योंकि सिलेबस हम क्या पढ़ेंगे, यह पाठ्यक्रम होना चाहिए तभी हम सिलेबस खोज पाएंगे और उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो पाठ्यक्रम हमारे पास टेबल पर होना चाहिए ताकि हम उसको देख करके स्पष्ट हो सके। यद्यपि पूर्व में जो है विश्लेषण के अंतर्गत हमने जिस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया, अगर दो से तीन बार आप उसको देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके माइंड में वो एक चिप की तरह से जो है लग जाएगा और उसको कभी भूलने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उसका विश्लेषण किया गया है। तो पाठ्यक्रम आपके पास जरूर होना चाहिए और उस पाठ्यक्रम पर आधारित अध्ययन सामग्री प्रत्येक टॉपिक वाइज होना चाहिए और फिर इस टॉपिक का ईमानदारी से अध्ययन होना चाहिए। कोई दुनिया की ताकत आपको अपने सफल होने और लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है। तो शैक्षिक सहायकी आपके पास, स्टडी मटीरियल बहुत ही जरूरी है। इन दोनों चीजों को आप अपने पास बनाने का प्रयास कीजिए। तीसरा है विचलन। ये किसी भी शहर में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए आम बात होती है। जब वह तैयारी की दिशा में होता है, कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक दबाव काम करते हैं, क्षेत्र के लोगों की असफलता दबाव काम करती है, समाज में रहने वाले लोगों के कमेंट उस पर पास होते हैं, तो इस तरीके से यहां पर विचलन की संभावनाएं आती हैं। तो आपको इसे प्रत्येक दशा में रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये लक्ष्य का निर्धारण है तो ये स्वतः ही आपको सहायता प्रदान करेगा, लेकिन आपको किसी की बात नहीं सुनना है। ये आप सुनिश्चित हो लीजिए कि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वही कमेंट करने वाले व्यक्ति आपके साथ में खड़े होंगे, और जब तक आप लक्ष्य नहीं पाते हैं तब तक आपका विरोध करने वाले लोग समाज में, गली में, स्कूल में, हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए आपको विचलन से बचना होगा, यानी कि लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आपके पास लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। विचलन का अभाव, लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके पास होना चाहिए। और चौथा चीज है अनुप्रयोग। आपको किसी भी क्लास में, मैं कहता हूं आपको लंदन भेज दिया जाए पढ़ने के लिए, अगर वहां पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि नियम और विनियम आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप उसको अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पर उतारने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने चिंतन प्रक्रिया में शामिल नहीं करते हैं, तब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है, आपकी तैयारी नहीं हो सकती है और आप प्रिपरेशन के डेफिनेशन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो भी रूल्स, रेगुलेशन, थॉट, थ्योरी, कोई भी चीज आपको क्लास में किसी टीचर के द्वारा, किसी कोचिंग में किसी मोटिवेटर के द्वारा बताई जा रही है, आप उसको अपने चिंतन प्रक्रिया में शामिल करने का जरूर प्रयास कीजिए, यानी कि आप उस नियम विनियम सिद्धांतों को अपने थॉट प्रोसेस में एंट्री करवाइए। किसी भी चीज को अगर क्लास में पढ़ाया गया है तो आप उसको अपने आवास पर, अपने कक्ष में बैठने के बाद सोचिए कि हमें पढ़ाया क्या गया है और उसको एक बार पूरा मनन में ले आइए। इसी को कहा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपनी थॉट प्रोसेस में एंट्री करवाना, और जब तक आप ऐसा नहीं करवाएंगे तब तक समस्या रहेगी। और पुनः इस चीज को इंप्लीमेंट करने के बाद आप अपने व्यवहार में उसको प्रयोग में लाइए, अर्थात किसी भी टॉपिक का अगर अध्ययन करवाया गया है तो उसको पढ़ने के बाद उससे संबंधित सभी पहलुओं और पक्षों का एक अध्ययन कीजिए, समझ पैदा कीजिए और उससे आधारित सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो ये होगा अनुप्रयोग, यानी कि रूल्स है एंड रेगुलेशंस है,
इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप अपने थॉट प्रोसेस में लाइए और दूसरा जो है इसको इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये रूल्स आप अपने जीवन में जरूर अपनाइए। आप ऐसा करके भूलने को मात दे सकते हैं, या गारंटी कहा जा रहा है लगभग से लगभग 70-80% सुधार आप 3 दिन के अंतर्गत देखेंगे। और अगर ऐसा करने से नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके पास समस्या है जो आप इन नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी पढ़ाई जा रही है उसको अपने थॉट प्रोसेस में ले आइए, जैसा कि मैंने बताया उसके बारे में मनन कीजिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए, यानी कि अनुप्रयोग कीजिए, अर्थात उस पर आधारित पाठ्यक्रम का अध्ययन कीजिए, सभी पहलुओं को समझने का प्रयास कीजिए और उससे संबंधित सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। ये चीज अगर 3 दिन अपने व्यवहार में करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो है उसकी तैयारी से रोक नहीं सकती है और अपने लक्ष्य को पाने से मना नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से अनुप्रयोग इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो और 5वां चीज है, शब्द की व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी जीवन में अपने देखते होंगे, कोई भी नई चीज आती है या इसी तरीके से जब आप अपने पाठ्यक्रम को देखते हैं पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो अपने में काफी कुछ अर्थ को समाहित और निहित किए हुए होते हैं, उसके शब्द को पढ़ना आवश्यक है। जैसे संविधान राज्य व्यवस्था पढ़ते गणतंत्र शब्द आ जाता है, इसी तरीके से राजनीति सिद्धांत पढ़ना संप्रभुता शब्द। अब यह एकमात्र शब्द है, संप्रभुता एक शब्द है, लेकिन यह अपने आप में काफी अर्थ को समाहित किया हुआ है। और जब आप राजनीति विज्ञान टीजीटी के लिहाज से पढ़ रहे हैं या किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो शब्दों की जो व्याख्या और उसके बारे में व्याख्या करके एक समझ पैदा होना बहुत जरूरी है। जैसे संप्रभुता कोई पूछता तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि संप्रभुता राज्य का एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है और कोई भी व्यक्ति या संस्था उसके इस निर्णय या आदेश का विरोध करने की स्थिति में नहीं होता है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, संप्रभुता मतलब राज्य की विशेषता, कोई संगठन की विशेषता संप्रभुता नहीं हो सकती है। आप पाठ्यक्रम में इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से शब्द की व्याख्या, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, कोई भी नया शब्द आता है, कोई भी क्लिष्ट शब्द आता है, कोई भी टफ शब्द आता है, तो उसके मतलब को आप जानने का जो है जरूर प्रयोग कीजिए। तो इस तरीके से लक्ष्य निर्धारण यानी कि गोल डिटर्मिनेशन और स्टडी मटीरियल, लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इंप्लीमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन, ये 5 प्रकार के जो है पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास कीजिए। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो भूलने की प्रक्रिया को मात दे सकता है। अगर आप इसको अपने जीवन काल में उतारने का प्रयास करते हैं तो आप भूलना भी भूल जाएंगे, मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं। तो इस तरीके से आप टीजीटी के विश्लेषण के साथ साथ में इन 5 पॉइंट्स को अपने तैयारी में यूज करने का, अनुप्रयोग करने का प्रयास कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी तैयारी में एक चमत्कार, एक नया परिवर्तन, एक बदलाव आएगा और आप ऐसा करके अपनी तैयारी से संतुष्ट प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में अपने आप को मजबूती के साथ उतार सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी कुछ आसानी मिलेगी और पूरा एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।